एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है। चेर गन से कहता है कि वह वापस आ चुका है, तो यह सुनकर गन खुश हो जाता है। लेकिन गन का ये तो एक सपना होता है, और तभी गन अपने डोर पे नोक की आवाज़ सुनता है। और जब वह जाकर डोर खोलता है तो वह देखता है कि वहाँ पर हाउसकीपर थी, जिसे देखकर गन फिर से सेड हो जाता है। और जब गन ऑफिस आता है तो वह उससे फिर से अपनी रेगुलर कॉफ़ी मांगता है, और फिर कहता है कि जेक आज यहाँ पर नहीं है ना, क्योंकि मुझे याद है कि आज उसका कॉम्पिटिशन है। तभी इन कहती है कि उनका आज फाइनल राउंड है, और वह बातों ही बातों में चेर का नाम ले लेती है, जिसका नाम सुनकर गन फिर से सेड हो जाता है और वहाँ से एक्सक्यूज करके चला जाता है। फिर वो इंक से कहती है कि तुमने उनके सामने उसका नाम क्यों लिया, तो इंक उसे सॉरी कहती है। और ऑफिस आने के बाद गन चेर की आईजी पोस्ट देखता है, जिसमें चेर ने ट्रॉफी के साथ पिक पोस्ट कर रखी थी, जिसे देखकर गन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ चेर और उसके फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन जीतने की खुशी मना रहे होते हैं, जो चेर से पूछता है कि परसों तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है ना, तो क्या तुम सेरेमनी अटेंड करने जाओगी। चेर कह देता है कि वह नहीं जाना चाहता, तो चेर कहता है अगर तुम सेरेमनी अटेंड ही नहीं कर रहे हो तो फिर तुमने ग्रेजुएशन गाउन रेंट पर क्यों लिया। तो चेर कहता है कि उसके अपने रीज़न है, और फिर जेक और चेर इस चीज़ को लेकर फाइट करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, चेर गाउन पहनकर रेडी हो जाता है, और फिर वह जेक से कहता है जो मैंने तुमसे लाने को कहा था क्या तुम लेकर आए हो। जेक हाँ कहता है, और जब चेर नीचे आता है तो जेक पूछता है कि तुमने ये क्यों पहन रखा है। तो चेर कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि ये ग्रेजुएशन गाउन है। चेर कहता है हाँ पता है, लेकिन तुम पहन क्यों रखे हो। चेर कहता है बस तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और फिर जेक चेर को उसकी ट्रॉफी देता है, जिसे लेकर वो लोग ऑफिस आ जाते हैं। जेक चेर से कहता है कि तुम जो आउटफिट पहन रखे हो उससे मुझे बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन प्लीज़ तुम कोई अजीब हरकतें मत कर देना। तो चेर कहता है तुम बस अपने काम पर जाओ। जेक वहाँ से चेर की तरफ देखते हुए चला जाता है, और फिर चेर गन के ऑफिस के सामने खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वह डोर ओपन करने वाला होता है, सामने से गन ही डोर ओपन कर देता है। चेर गन को देखकर खुश होता है, और फिर नी डाउन होकर अपनी ट्रॉफी और अपनी डिग्री गन की तरफ बढ़ा देता है, और फिर कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। यह सुनकर गन हैरान हो जाता है। चेर कहता है जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सभी लोग कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब मैं आपका इंटर्न नहीं हूँ, तो अब कोई भी कंपनी ओनर और एक इंटर्न को लेकर बात नहीं करेगा। और दूसरी बात, तभी गन चेर को पकड़ता है और उसे हक कर लेता है। तो चेर गन से कहता है बॉस मैंने अभी तक अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट भी नहीं की है, तो प्लीज़ क्या मैं पहले वो कंप्लीट कर लूँ। तो गन हाँ कहता है, और फिर चेर फिर से अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि मैं एक लो प्रोफाइल बच्चा हूँ जो हमेशा आपको मुसीबत में डालता रहता है, लेकिन अब मैं अपग्रेड हो चुका हूँ और अब मैं एक नेशनल चैम्पियन बन चुका हूँ। हालांकि मेरे पास आपके जितना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गन कहता है कि तुम्हें वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेर कहता है लेकिन मैं वो सब मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसी तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। गन कहता है लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। तो चेर गन के पास आकर कहता है कि अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा वेट करना पड़ता है। तभी गन चेर को किस कर लेता है। चेर कहता है ये आप क्या कर रहे हो बॉस। गन कहता है कि मैं तो अच्छी चीज़ों को टेस्ट कर रहा हूँ। तो चेर कहता है बॉस आप बिल्कुल पागल हो चुके हो। तो गन स्माइल करता है और फिर जोर से चिल्लाकर चेर को आई लव यू कहता है। चेर कहता है कि आपको इतना चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गन फिर से चिल्लाने लगता है और सभी के सामने चेर को किस करके फिर ऑफिस लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ सभी ऑफिस के एम्प्लॉयज उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और ऑफिस आने के बाद गन चेर को
सोफे पर फुस करता है और फिर से किस करने लगता है और फिर कहता है, तुम्हें पता है मैं ऑलमोस्ट मर ही चुका था और तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। चेर कहता है, बॉस आप बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो। तो गन चेर को किस करता है और फिर कहता है, क्या हम लोग अब बॉयफ्रेंड हैं ना। तो चेर कहता है, जो अभी आप ही आपको प्रपोज कर रहा था तो फिर वो कौन था? मैंने नींद डाउन होकर आपको प्रपोज किया था और पूरे ऑफिस ने भी ये सब सुना था, तो क्या आप फिर भी मुझसे ये सब पूछ रहे हो? तो गन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे मेरी लाइफ में शादी के लिए प्रपोज करेगा। चेर कहता है कि मैंने सिर्फ आपसे बॉयफ्रेंड के लिए कहा था, ये शादी का प्रपोजल नहीं था। गन कहता है, ठीक है तो फिर जब शादी का प्रपोजल होगा तो फिर मैं तुम्हें नी डाउन होकर प्रपोज करूँगा ताकि हम दोनों इवन हो जाए। चेर कहता है, पहले हम दोनों को डेट करना होगा और आप पहले ही शादी के लिए सोच रहे हैं। और तभी वहाँ पर गन की मोम आ जाती है जिसे चेर देख लेते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और चेर गन की मोम से सॉरी कह रहा होता है कि उसने उनके बेटे को मुसीबत में डाल दिया, लेकिन वह ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। और फिर चेर गन का हाथ पकड़ता है और मोम से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा और अगर ये रोएगा तो भी मैं उसे कंफर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मोम कहते हैं, तुम्हें पता है सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। चेर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और जो भी मैंने कहा है वो मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। तो मोम कहती है, मैंने देखा है तुम वो ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि मेरे बेटे को संभालना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। चेर कहता है, हाँ मैं ये अच्छे से जानता हूँ मैम, ये अचार खाता है और इसे समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं है और इसके माइंड में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता। तभी गन कहता है, चेर अब बस बहुत हो गया। और फिर मोम गन से कहती है, और तुम्हारे डैड उनसे मैं बात कर लूँगी। तो गन अपनी मोम को थैंक यू कहता है कि उन्होंने उसे समझने की कोशिश की। और फिर मोम चेर से गन का ध्यान रखने को कहती है, तो चेर हाँ कहता है। और फिर वो लोग चेर के रूम आ जाते हैं। गन कहता है, मैंने इस रूम को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो चेर कहता है, बॉस आपके पास तो लाखों का कोंडो है फिर भी आपको मेरा ये छोटा सा रूम पसंद है। तो गन चेर को पकड़ कर उसे अपनी गोद में बिठाता है और कहता है, चाहे मेरे पास करोड़ों का ही कोंडो क्यों ना हो लेकिन अगर तुम मेरे बेड के नेक्स्ट में ना हो तो फिर मुझे वो पसंद नहीं है। चेर कहता है, आप बातें करने में बहुत अच्छे हो और अब मैं सावा लेने जा रहा हूँ। तो गन कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँ? चेर मना करके वहाँ से चला जाता है। गन थोड़ी देर वेट करता है और फिर गन भी चेर के बाथरूम में चला जाता है। चेर कहता है, बॉस आप मेरे साथ यहाँ पर क्यों आ रहे हो? और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग सोने जा रहे होते। गन थोड़ा उदास दिखाई देता है तो चेर पूछ लेता है कि क्या बात है बॉस? गन कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम कुछ ऐसा करो तो प्लीज़ मुझे बता देना। चेर कहता है, अगर मैं आपको बताता तो क्या आप मुझे जाने देते? गन मना करता है। चेर कहता है, देखा इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता था और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको निराश किया, लेकिन बस मैं थोड़े दिनों के लिए ही तो दूर किया था और देखो मैं अब आपके पास वापस आ चुका हूँ। तो गन चेर को किस करता है और फिर कहता है, प्रॉमिस करो कि तुम फिर से ऐसा दोबारा नहीं करोगे। तो चेर कहता है, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि हम लोग हमेशा हमेशा एक साथ रह सके और मैं नहीं चाहता कि आपको मेरे साथ रह के एम्बेरसमेंट फील हो। तो गन कहता है कि तुम्हारे साथ रह के मुझे कभी भी शर्मिंदा फील नहीं होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो क्या हो। तो चेर गन को पकड़ के उसे बेड पे पुश करके कहता है, क्या ये आप अब और बोलना बंद करेंगे? मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं दोबारा कहीं नहीं जाऊँगा और आपकी खुशी आपकी स्माइल सब कुछ अब वापस आ चुके हैं। और यह कहकर फिर चेर गन को किस कर लेता है। तो गन चेर को फ्लिप कर देता है और फिर किस करता है
और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। चेर कहता है, बॉस और मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और फिर से वो लोग किस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ थोप की मॉम भी तियान के साथ जो भी उन्होंने किया उसके लिए माफ़ी मांगती है। तो थोप भी अपनी मॉम को माफ़ करके उन्हें हक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब चेर ऑफिस आता है तो चेक कहता है, क्या चल रहा है कॉफ़ी बॉय, और तुम हमेशा ही अपना मुंह उठाकर यहाँ पर चले आते हो। तो चेर कहता है, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रहा था जो कि यहाँ पर काम करता है। तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तभी वो कहती है कि तुम उन्हें ओपनली अपना बॉयफ्रेंड कह रहे हो। तभी इंग कहती है, चेर तुम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे ना? तो चेर कहता है, डेफिनेटली, और अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को और ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहता। और यह कहकर चेर वहाँ से चला जाता है। और फिर चेर गन के ऑफिस में कॉफ़ी लेकर आता है। और जैसे ही गन चेर को देखता है वह अपनी बाहें फैला कर कहता है, क्या मुझे हक मिलेगा? तो चेर गन के पास आ जाता है। गन चेर को अपनी गोद में बिठा कर उसके चीक्स पे किस करता है। चेर कहता है, ओ बॉस नेक्स्ट वीक आपका नया गेम लॉन्च होने वाला है ना? गन कहता है, हाँ, और उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये आज तक का इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो चेर कहता है, बॉस क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? गन कहता है कि हमने ऑलरेडी 90% काम कंप्लीट कर लिया है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेर कहता है, और 10% का क्या? गन कहता है, उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए बेबी, क्योंकि मुझे कन्फ्यूज करना होगा। तो चेर कहता है, बॉस अब आपका ये करेक्टर है वो मेरा कूल काम और हैंडसम सा मेन कहाँ चला गया? तो यह सुनकर गन ब्लश करने लगता है। चेर ये देखता है और कहता है, अब आप ब्लश क्यों कर रहे हो? गन कहता है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा हूँ। तो चेर कहता है, हाँ आप मेरे बॉयफ्रेंड हो तो आप मेरे ही होंगे ना? तो यह सुनकर गन चेर के चीक्स पे किस करता है और फिर कहता है, लव यू सो मच। और फिर चेर कहता है कि तू हमसे हमारे रेगुलर बेसिस पे मिलना चाहता है, तो क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? गन कहता है कि वह ऑफ कोर्स उसके साथ चलेगा। चेर कहता है, फिर मैं जेक के पास जाकर इंतज़ार करता हूँ और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो हम लोग साथ में चलेंगे। गन कहता है, यस बॉस। तो चेर गन के फोरहेड पे हाथ रख कर कहता है, गुड जॉब इंटर्न। गन कहता है, तुम्हें ये पसंद है ना? चेर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे ये पसंद है। और यह कहकर चेर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गन और चेर साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर थूफ आ जाता है और उनका लवी डवी बनता देख कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे लवी डवी मोमेंट को इंटरप्ट कर दिया। तो चेर कहता है, कोई बात नहीं। और गन भी थूफ से उसके हाल चाल पूछता है। तो थूफ बताता है कि उसकी छुट्टियाँ चल रही है तो अपनी मोम को कंपनी देने के लिए उनके साथ रह रहा है। चेर कहता है, मुझे खुशी है कि तुम और तुम्हारी मोम के बीच सब कुछ ठीक हो गया। धूप कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तो चेर कहता है, अगर तुम्हारे साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। धूप कहता है कि तुम मुझसे ये बात बहुत बार कह चुके हो, तो प्लीज़ ये सब अब दोबारा रिपीट मत करो। तो चेर कहता है, क्या हम लोग शांति से बात नहीं कर सकते? धूप कहता है, ये सब तो तुम्हारी ही आदत है। और गन उनको देखकर स्माइल कर रहा होता है। और फिर गन धूप से कहता है कि धूप के कैफे में न्यू ईयर पार्टी है, तो क्या तुम आना चाहोगी? धूप कहता है कि वह अपनी मोम के साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगा। तो गन कहता है, तो क्या तुम मोम के साथ मंदिर जाने वाले हो? धूप कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना। तो चेर कहता है, ठीक है ठीक है, अब तुम खाना खा लो। और फिर चेर गन से भी खाने को कहता है। तो गन कहता है, मैं तो तुम्हें खाते हुए देखकर ही फुल हो गया। चेर कहता है, आप बहुत अच्छी बातें करते हो। और फिर
चेर धूप से कहता है, तुम क्या देख रहे हो? धूप कहता है, कुछ भी नहीं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ते न्यू ईयर की डेकोरेशन कर रहा होता है और जो बड़े ही रोमांटिक तरीके से ते की हेल्प कर रहा होता है। जिन्हें देख ट्यूब कहता है, मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता, क्या तुम दोनों अपने ये हनीमून का फेज बंद करोगे? तो दी कहता है कि ये फेज तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ट्यूब कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तो दी कहता है, इसमें तो मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो भी कहता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। ट्यूब कहता है, और मैं अभी भी यही हूँ। तो ठीक कहता है, तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो क्योंकि हम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बेचारा टू दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब कन अपने हाथ को मूव करता है तो वह देखता है कि वहाँ पर चेर नहीं है। तो कन घबरा कर इस डर से उड़ जाता है कि कहीं चेर उसे फिर से छोड़ कर तो नहीं चला गया। और तभी किचन से चेर की आवाज़ आती है और जब कन जाकर देखता है तो चेर कुकिंग कर रहा होता है। और जब चेर कन को देखता है तो वह कहता है, आप उठ गए? कन कहता है, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि जब मैं उठूँगा तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे न्यू ईयर विश करेगा। तो चेर कहता है, वो न्यू ईयर कल है, आज नहीं। और कन चेर की कुकिंग स्किल को देखता है और फिर उसे पकड़ कर चेयर पर बिठा कर कहता है, मुझे डर है कि तुम मेरा किचन ही एक्सप्लोर कर लोगे, तो इससे अच्छा है कि मैं ही कुकिंग कर लूँ। चेयर कहता है, ठीक है, आप ही कर लीजिए, मैं यही बैठा रहता हूँ। और थोड़ी देर बाद में कन कुकिंग करके आ जाता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम चेयर कन से कहता है, क्या आपने अपने गिफ्ट एक्सचेंज करने के लिए प्रिपेयर कर लिए? आपके माइंड में क्या है, क्या प्लीज़ मुझे बताएंगे? कन कहता है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो ये सरप्राइज नहीं रहेगा। चेयर कहता है, कम ऑन, प्लीज़ मुझे बता भी दीजिए। कन कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। चेयर कहता है, आपको क्या चाहिए? कन कहता है कि तुम्हारी इंटर्नशिप ख़त्म हुए 1 साल हो चुके हैं लेकिन तुम अभी भी मुझे बोझ ही करके बुला रहे हो। चेयर कहता है, क्योंकि मुझे इसकी आदत हो चुकी है, या फिर मुझे आपको कुछ और कहना चाहिए? और फिर चेयर बड़े ही प्यार से कन को पीगन कहता है। कन ब्लश करने लगता है तो चेयर कहता है, जब भी मैं आपको पीगन कहता हूँ आप हमेशा ब्लश करने लगते हैं। तो कन कहता है, क्योंकि मुझे भी इसकी आदत नहीं है ना। और फिर चेयर कन को पीगन कर टीज करने लगता है और कहता है, पीगन प्लीज़ क्या आप नॉन चेयर को बताएंगे कि आपके प्रेजेंट क्या है? तो गन कहता है कि मेरे हुआ इन होटल में 1 साल रुकने का वाउचर। तो यह सुनकर चेयर कहता है, ऐसा मत कहना कि आपका प्रेजेंट 150 baht से ऊपर का है। तो गन कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या दूँ, और प्लीज़ मुझसे तुम इस चीज़ को लेकर झगड़ा मत करना क्योंकि एक कंपनी ओनर का बॉयफ्रेंड वहाँ पर पूरी ज़िंदगी फ्री में रह सकता है। तो यह सुनकर इस बार चेयर प्लस करने लगता है और कन कंपनी ओनर का बॉयफ्रेंड कहकर चेयर को टीज करने लगता है। और फिर हमें इवनिंग में सभी को ट्यूब के कैफे में दिखाया जाता है। ट्यूब एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें बहुत सारे चेयर्स थे। सभी अपने अपने चेयर्स निकालते हैं और जिसका नाम आता है उसके गिफ्ट को ओपन करते हैं। और फिर गन का भी नाम आता है और गन के पास चेयर का गिफ्ट आता है। और जब वह ओपन करके देखता है तो उसमें पजामाज होते हैं और सभी लोग गन से इंसिस्ट करने लगते हैं कि वह उन्हें पहन कर आए। और फिर जब गन पहन कर आता है तो फिर चेयर कहता है कि अब ये हमारी सोसाइटी का लगता है और जो मैंने इसकी मॉम से प्रोमिस किया था वो भी अब मुझे याद रहेगा। तो जो कहता है कि तुमने उन्हें क्या प्रॉमिस किया था? चेयर कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनके बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, उसे हमेशा खुश रखूँगा। तो जो कहता है, और तुमने उनका प्रॉमिस तोड़ा भी नहीं है। और फिर चेयर गन को फ्रिल देते हैं और उसे पहनने को कहते हैं। तो गन उस फ्रिल को पहन कर डांस करने लगता है और सभी लोग इसे देख कर स्माइल करने लगते हैं। और फिर सभी लोग मिलकर भी डांस करने लगते हैं
और फिर गन और चेर वहाँ से जल्दी आ जाते हैं। और जब चेर जल्दी आने का रीज़न बोलता है तो गन कहता है, वो तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। चेर कहता है, तो फिर मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि आप मुझे सरप्राइज़ नहीं देंगी। गन कहता है, प्लीज़ क्या तुम ऐसा प्रिटेंड करोगे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। चेर कहता है, आप मुझे थोड़ा तो बता सकते। गन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें जल्दी इसका पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ सभी फ्रेंड्स बालकनी में खड़े होते हैं। थी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा जो के साथ मिलकर ही न्यू ईयर का काउंटडाउन करूँ। और जो भी बिल्कुल ऐसी ही बात कहता है तो उन्हें देखकर ट्यूब या करने लगता है। जे कहता है कि तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, तुम भी लैम की तरह हमें छोड़कर चले जाओ। तो वो लोग जाने लगते हैं। जे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो थी कहता है, और तुमने भी हम पर इतना जल्दी बिलीव कर लिया। ट्यूब कहता है कि हमें छोड़कर मत जाओ। जो कहता है, ओ देखो उस तरफ क्या है। और वो लोग जब देखने लगते हैं तो थी जो के चीक्स पे किस कर लेते हैं। और दूसरी तरफ गन चेयर की आंखों को कवर करके उसे रूफ टॉप पर लेकर आता है। और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को हटाता है। और जब चेयर देखता है तो रूफ टॉप पे डेकोरेशन हो रखी थी, जिसे देखकर चेयर काफ़ी खुश होता है। और वहाँ पर चेयर के काफ़ी ज़्यादा फोटोज भी लगी हुई थी। सीने देखकर चेयर कहता है, ये सब आपने किया है। गन कहता है, हाँ ये सब उसी ने किया है। चेयर कहता है, लेकिन यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। गन कहता है, क्योंकि मैंने आज रात के लिए इसे खरीद लिया है। यह सुनकर चेयर कहता है, क्या आपने पूरी टॉप टॉप को ही न्यू ईयर ईवे के लिए खरीद लिया? आपने इसके लिए कितना पे किया? गन कहता है कि मैंने बस लोकेशन के लिए पे किया है, और बाकी का सारा काम तो मैंने खुद ही किया है। बैलून्स लगाना, डेकोरेशन, ये सारा मैंने ही किया है। चेयर कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं था। तो गन कहता है कि मेरे पास टाइम था, ओके। फिर गन चेयर को बुके ला कर देकर कहता है, और इस फ्लावर बुके को भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। चेयर उस बुके को लेता है और कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से फ्लावर बुके मिलेगा, मुझे ये बहुत पसंद है। गन कहता है, तुम्हारा मतलब फ्लावर से है? चेयर कहता है, नहीं मेरा मतलब आपसे है पीगन। तो फिर से गन प्लस करने लगता है। तो चेयर कहते हैं, आपने खुद ही स्टार्ट किया था और आप खुद ही अब प्लस कर रहे। और तभी फायरवर्क होने लगता है। तो दोनों साथ मिलकर फायरवर्क देखने लगते हैं। और दूसरी तरफ थी और जो भी फायरवर्क को देख के एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, जिन्हें देखकर ट्यूब उन्हें धक्का मार कर कहते हैं, तुम दोनों मेरे यहाँ से निकल जाओ। और फिर सभी लोग मिलकर न्यू ईयर को इंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ गन चेयर के फोरहेड पे किस करता है और फिर उसे न्यू ईयर विश करके कहता है कि तुम मेरे न्यू ईयर के सबसे बेस्ट गिफ्ट हो और थैंक यू मेरी स्माइल बनने के लिए। तो चेयर गन को कहता है, आई लव यू पीगन। गन कहता है, प्रोमिस करो कि हम लोग हर साल साथ मिलकर न्यू ईयर का काउंटडाउन करेंगे। तो चेयर गन को प्रोमिस करके कहता है कि मैं प्रोमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हम लोग साथ सोएंगे, साथ उठेंगे, साथ खाएंगे, जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। तो गन चेयर को हग कर लेता है और कहता है, तुम इतने क्यूट कैसे हो सकते हो। चेयर कहता है, लेकिन मैं अपना बाथरूम खुद ही यूज करूँगा और मुझे उसमें अपनी प्राइवेसी चाहिए। तो यह सुनकर गन कहता है, चेयर तुम। तभी चेयर गन को किस कर लेता है। तो गन भी चेयर को किस पे करता है। और इसी किसिंग सीन के साथ और हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।